सिटिंग एमएलएज हैं बीजेपी, उस पर वो सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जीके की जो अपनी रणनीति जो है वो ये है कि जो आने वाले जो लोकसभा चुनाव है वो अपना जो है जो पश्चिमी दिल्ली सीट है, क्योंकि रजौरी गार्डन ऑलरेडी उनके पास है ऑलरेडी पहले से ही, और ऐसे में हरी नगर और तिलक नगर उनके पास चला जाता है, तो जो पश्चिमी दिल्ली का हिस्सा है उस पर उनका कमांड हो जाएगा। और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है कहीं ना कहीं अपने आप को उसमें भी खुद को देख रहे हैं लोकसभा सीट के लिए, तो ये उनकी रणनीति है। लेकिन बीजेपी नहीं चाह रही है कि वो दो सीट उनको दिया जाए। चलिए ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, पल पल अपडेट हो रहा है, पल पल क्योंकि गतिविधियां इस तरीके से हैं कि हर पल खबरें आ रही हैं, आप लगातार नजर बनाए रखिए। तरुण आप हैं हमारे साथ? जी शशि जी, ठीक जी। तो क्या लगता है ये कितनी देर बैठक चलेगी? दो मसला है, एक तो नामों पहली लिस्ट जो है वो उस पर एक मोहर लगाना, और दूसरा अकाली वाला जो मसला आ गया है कि सीट शेयरिंग, किस कौन कौन सी सीट पे अकाली लड़ेगी चुनाव, वो भी एक मसला निपटाना है। कितना देर लगेगा इस मीटिंग में? बहुत लगता है कि विचार विमर्श की जरूरत बीजेपी को लगी है, इसी कारण सीईसी की बैठक में सभी सदस्य बहुत ज्यादा चर्चा ना करते हुए सिर्फ एक पिन पॉइंट चर्चा हो, इसका ब्लूप्रिंट गडकरी के साथ घर के अंदर हुई बैठक के अंदर डिसाइड हो चुका है। उम्मीद इसी बात की लग रही है शशि जी कि ये जो सीईसी की बैठक है वो मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम नहीं लगेगी, करीबन 45 मिनट से एक घंटे तक के अंदर हो सकता है कि सीईसी जो दिल्ली के अंदर बैठी है उसकी बैठक खत्म हो जाए। जाहिर तौर पर जो मेरे सहयोगी ने जिक्र किया, अकालियों का एक महत्वपूर्ण मसला है, और गडकरी के घर जो मीटिंग हुई थी उससे पहले इस तरह की खबरें सामने जरूर आई, हालांकि मीडिया वहां पर इनवाइटेड नहीं था और किसी भी तरह से भनक नहीं लगने दी कि अरुण जेटली प्रकाश सिंह बादल से मिलने गए थे। ये अभी अभी मुझे पता लगी है, जिस तरह से खबरें हमारे इधर लगातार चल रही हैं तो सोर्सेस से आ रही है कि अरुण जेटली सुबह मिल के आए हैं प्रकाश सिंह बादल से, और उन्होंने मान मनोबल की कोशिश की है कि अगर पार्टी संयुक्त तौर पर लड़ेगी आप कम से कम ऐसी सीटें मत मांगिए जो हमें देना मुश्किल हो जाए, जहां पर बीजेपी के कितनी सीटें इस बार बीजेपी अकालियों के लिए छोड़ सकती है? मांग तो वो 16 रहे हैं, लेकिन बार्गेन की स्थिति में अब मुझे लगता है कि मनजीत सिंह जी के आ चुके हैं, कम से कम उनको वो क्या मनजीत सिंह जी के पहुंच गए, कहां पहुंच गए वो? खिसक कर मुझे नहीं लगता है कि उनको तीन या चार से ज्यादा सीटें मिलने की कोई संभावना है। लास्ट टाइम भी वो चार सीटों पर आए थे, हालांकि उनके लिए ये बात को कन्विंस कर पाना बीजेपी के आलाकमान को मुश्किल रहा होगा कि वो चारों सीटों में से अकाली एक भी नहीं जीत पाया। लेकिन साफ तौर पर अकालियों के पक्ष में दलील ये है कि जो भी सीट वो हारे वो बहुत कम मार्जिन से हारे थे, लिहाजा इस बार उनकी तैयारी अच्छी है। आप नजर बनाए रखिए और लगातार अपडेट देते रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण। एक बहुत ही क्विक रिएक्शन सुजीत आपका, ये आखिरकार क्या लगता है ये कितनी सीटों पर आ जाएगा नाम, और अकालियों के लिए बीजेपी कितना बड़ा दिल खोल सकती है? देखिए बीजेपी दिल्ली में अकालियों के बहुत कम समय है संक्षेप, बीजेपी दिल्ली में अकालियों के लिए ज्यादा बड़ा दिल नहीं खोल सकती है, क्योंकि उसने प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल को फ्री हैंड दे रखा है पंजाब में, तो वो चाहेंगे कि यहाँ कम से कम सीटें उनको मिले। अब पिछली बार भी चार सीटों से ही अकालियों को संतोष करना पड़ा था और एक भी सीट वो जीत नहीं पाए थे, तो इस बार भी लगभग चार सीटें ही उनको मिलेंगी, सीटों का स्थान बदल सकता है, इतना हो सकता है। ठीक है, और लिस्ट जो है वो 30-35 आ सकती है, 30-35 तक लिस्ट आ सकती है, कुछ लोग तो 42 तक कह रहे हैं, लेकिन ज्यादा अनुमान है कि 30-35 तक तो जरूर आएगी। गोयल को जो बुलाया गया है बस उसी लिए बुलाया गया, जैसे कि चर्चा चल रही थी कि पांच लोग हैं कमेटी में और गोयल अकेले पड़ रहे हैं, तो गोयल को ये कहने का मौका ना मिले कि वो उनकी नहीं सुनी गई है, इसीलिए जिन सीटों पर उनको आपत्ति है उनको मीटिंग में बुलाया गया ताकि उस पर स्थिति वो स्पष्ट कर सके। देखिए कई ऐसे नेता होते हैं कि अगर वो अंदर से दुखी हैं तो बाहर से खुश नजर आते हैं, और अंदर से खुश हैं तो बाहर से दुखी नजर आते हैं, चेहरे दिल की का जो भाव है वो छुपा लेते हैं, लेकिन विजय गोयल एक ऐसे शख्स हैं कि अगर वो अंदर से दुखी है तो चेहरे पे दुख झलक जाता है, और अगर नितिन गडकरी के यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और शीशा तक नहीं उतारा, हेलो हाय तक नहीं किया, कैमरे पे वेव भी नहीं किया, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, और जीत डॉक्टर हर्षवर्धन की होती हुई दिख रही है।
चलिए अब कुछ देर की बात है, पहली लिस्ट बीजेपी की उम्मीद की जानी चाहिए कि आ जाएगी। लगातार हमारी नजर बनी हुई है और हमने आपसे वादा किया है कि हर खबर सबसे पहले सबसे आगे हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। जैसे ही सूची आएगी फाइनल, जो ये हम आपको सूची दिखा रहे हैं ये सोर्सेस के हवाले से खबर थी, वो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहे हैं। जैसे ही सूची आने वाली होगी, हमारे हाथ लगेगी, तो वो सूची हम आपसे भी शेयर कर लेंगे तुरंत, ये वादा है हमारा आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।